भी है और उद्यमिता भी है, क्रांति की धारा भी है और देश की विकास की ऊर्जा को भी आगे बढ़ाने वाली धारा है। ऐसी पावन धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव का चतुर्थ चरण का प्रचार आज सायंकाल बंद हो जाएगा। तीन चरणों के चुनाव हो गए हैं, 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और चतुर्थ चरण में कानपुर और कानपुर देहात की जनता को भी निर्णय लेना है। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर वर्तमान में एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार, जब फिर एक बार मोदी सरकार की बात जनता की ओर से आ रहा है तो साथ साथ यह भी संकल्प है कि की बार 400 तो 400 पार में ये दोनों लोकसभा सीट भी होंगी, 400 पार में कानपुर भी और अकबरपुर की सीट भी होगी। आप सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? बहनों और भाइयों, ये अचानक देश के अंदर ये उत्साह अचानक नहीं दिख रहा है। 10 वर्ष में मोदी जी ने बिना रुके, बिना टिके, बिना थके देश की जो अहर्निश सेवा की है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अलग विषय है कि चुनाव आते हैं, चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के लोग भी अपनी बात को रखेंगे, लेकिन बहनों और भाइयों, जनता जनार्दन के सामने पहले से तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें राष्ट्रहित में मोदी जी के समर्थन में फिर से खड़ा होना है। बहनों और भाइयों, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं बचा है। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि मोदी जी ने देश को दुनिया में सम्मान दिलाया है, मोदी जी ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है, मोदी जी ने देश के अंदर विकास के कार्यों को एक नई गति दी है, मोदी जी ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन करने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन है, बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन अपनी नकारात्मक राजनीति के कारण लगातार अपनी विश्वसनीयता को खो रहा है। कांग्रेस हो या सपा, इन दोनों की नकारात्मक राजनीति है। ये लोग भारत के हितों की नहीं, इनको पाकिस्तान के हितों की चिंता होती है। इन्हें भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान का चिंता नहीं, इनको तो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने की चिंता होती है। इनकी चिंता आपकी आस्था और भारत की विरासत के सम्मान का नहीं, इनकी चिंता तो थी कि जैसे भी हो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग चाहते थे। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे किस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर है। 2014 के पहले देश के अंदर विस्फोट होते थे, आतंकी विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग और जवान हमारे शहीद होते थे। 2014 के बाद कई आतंकी विस्फोट सुना आपने? हो भी नहीं सकता, क्योंकि आतंकवाद की नाभि पर प्रहार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज आतंकवाद नहीं, नक्सलवाद नहीं,
बल्कि अगर कहीं जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि नहीं नहीं मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर देर कर दी तो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो इस नए भारत की इस ताकत का एहसास आज दुनिया कर रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज जब दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई है, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं, और कानपुर को तो क्या कहना, हाईवे भी, एक्सप्रेसवे से भी और मेट्रो की सुविधा के साथ साथ डिफेंस कॉरिडोर का की सुविधा भी आपको यहां प्राप्त हुई है। नमामि गंगे के क्षेत्र में जो कार्य किया गया है उसका लाभ कानपुर को सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। अब हम भी कह सकते हैं कि हमारी विरासत की प्रतीक मां गंगा विरल है, निर्मल है, कानपुर के सीसा मऊ में और जाज मऊ में गंगा की धारा को अविरल और निर्मल करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आज आईआईटी, आईएम, एम्स, IIIT, NIT और हर घर नल की जैसी योजनाएं भी देश के अंदर लागू हो रही हैं, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती ही नहीं। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा। और बहनों और भाइयों, केवल यही नहीं,